बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन और आवाज़ दोनों क्लियर हैं चार्ट के साथ, कोई लैग वगैरह कोई इशू तो नहीं है आपको? सो हम ऐसे करते हैं कि फर्स्टली हम बिटकॉइन यूएसडी के चार्ट पे जाएंगे, बीटीसी यूएसडी फॉर अ बिग ट्रेंड, क्योंकि हमें बाइनेंस के चार्ट पे उस तरह से इतना बड़ा ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। ताकि हम ज्यादा डिस्कस कर सकें इसको, फिबोनाची एक्सटेंशन को। सो या लेट्स हाइड ऑल द इंडिकेटर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशन को। ठीक है, फिबोनाची एक्सटेंशन को आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद लाइव चार्ट एनालिसिस। बट उससे पहले जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रेंड्स की चीजें समझा देता हूँ कि हमने यूज किस तरह से करना है और एक्सटेंड क्यों हम करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है फिबोनाची एक्सटेंशन का। क्योंकि हमने लास्ट सेशन में जो है फिबोनाची लेवल्स को बहुत डिटेल से समझाया, डिटेल से जो है 29 मिनट का लेक्चर है वो, डिटेल से हमने जो है किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से हम टेक प्रॉफिट करते हैं, इंपॉर्टेंट जोन्स कौन से हैं, दिस एंड दैट। एक चीज आप सब ने जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, एक चीज आप सब ने जहन में रखनी है, याद रखनी है कि फिब लेवल्स एंड फिबोनाची एक्सटेंशंस आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर इलियट वेव्स एंड फॉर हार्मोनिक्स। तो अगर आपने ये नहीं सीखे तो आपने उसमें भी कोई ग्रिप नहीं ले सकते आप, ठीक है? सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट बोथ ऑफ देम, इन फ्यूचर मैं खुद लॉन्च करूंगा कोर्सेज, लाइव चार्ट इसी तरह से समझाऊंगा। तो अगर ऐसा करना है, सीखना है इस तरीके से, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इट विल हेल्प अ लॉट। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक है डाउन ट्रेंड, ठीक है, इस तरह से एक ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, अब यहां तक आ गया, ठीक है। फिबनाची एक्सटेंशन का काम क्या है? फिब एक्सटेंशन जो है वो इस जो जो मैंने जोन मार्क किया है यहाँ पे, इसको कवर कर रहा है, ठीक है, इसको कवर कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। मैं और इजी कर देता हूँ, अब मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इसको अप ट्रेंड के लिए। आई ड्रॉ ड्रॉ दिस अगेन, यहां से अप ट्रेंड के लिए। लेट सपोज प्राइस जो है यहां से जा रही है एक करेक्शन के बाद अब दूसरा ट्रेंड स्टार्ट करने, तो फिबोनाची एक्सटेंशन का फायदा क्या है? ट्रेंड को एक्सटेंड करना मतलब यही है ना, एज द नेम इंडिकेट्स। तो करना क्या है, आपने सिंपली लेना है फिब लेवल टूल, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, ठीक है, और फर्स्ट हाई जो है उस पर क्लिक करके नीचे ले जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फिबोनाची एक्सटेंशन जो है वो आपके जोन को, आपके एक स्पेसिफिक एरिया को एक्सटेंड कर रहा है यहां पे, कहां पे, यहां से एक्सटेंड कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इस तरह से लेके जा रहा है। काइंडली कंफर्म कर दें यहां तक क्लियर है? नहीं आई भाई। क्या इशू आ रहा है आपको समझने में, लाइक क्या प्रॉब्लम आ जब रही है? आपने एरो लगाया ना उस टाइम हैंग हो गया था। ओके, लेट मी चेक माय इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा अब ठीक है, आवाज सब कुछ ठीक आ रही है अभी? जी हाँ अब क्लियर है? जी जी बताएं। चलें परफेक्ट। अच्छा तो दूसरी बात ये भी है कि कमरान आपने लास्ट, जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग से पहले आपको बताया, लास्ट जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट है देखना, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैसे कि अभी हारिस ने चेक ज्वाइन करूंगा किया है, इंशाल्लाह। या हारिस ने ज्वाइन किया है, हारिस ने कल का सेशन देखा था, तो उन्हें बहुत इजीली समझ आ जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा, जो स्किप हो गया नो वरीज। अच्छा सो मैं इसको दोबारा से, आपको समझ नहीं है मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फिब एक्सटेंशन टूल जो है वो हम यूज करते हैं टू एक्सटेंड आर
ट्रेंड और प्रेडिक्ट द अपकमिंग टारगेट फॉर द ट्रेंड। अब लेट सपोज एक इस तरह से प्राइसेस ऊपर गई, ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स के साथ मर्ज करूंगा तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी फिर। अच्छा, तो एक ट्रेंड है इस तरह से ऊपर गया और उसने करेक्शन ली। अब करेक्शन के बाद ऑब्वियसली वो ऊपर की तरफ जो है वो ट्रेंड जाएगा, रिवर्स करेगा, ठीक है। तो आपने एक्सटेंड किस तरह से करना है, फिब एक्सटेंशन टूल लेना है यहां से, ठीक है, ट्रेंड बेस्ड, यहां पे देखें लिखा हुआ है ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अच्छा, आपने करना क्या है, फिब एक्सटेंशन टूल लिया, लो टू हाई, फर्स्ट हाई एंड हाई टू लो, ये जो हाई है इससे इस लो तक। तो आपने क्या किया, ये जो ट्रेंड है ना, ये जो 100% का जोन है, जैसे मैंने कल समझाया था कि फिब लेवल हमें 100% जोन बता रहा है, ठीक है, ये जो 100% का जोन है ये सारा, इस जोन को आपने कवर किया, ठीक है, और इसी जोन को आपने एक्सटेंड कर दिया यहां से ऊपर की तरफ, मतलब ये जो पोल है, यू कैन कॉल इट, ठीक है, ये जो पोल है यही पोल का 100% जोन आगे एक्सटेंड हो गया। अब हाउ इट हेल्प्स, हाइपोथेटिकली समझा रहा हूँ, लाइव चार्ट पे समझाऊंगा इसके बाद, हाउ इट हेल्प्स, यहाँ पे सिंपली सी बात है, आपको ऑब्वियसली अगर 100% आपको जोन आगे लेके जाना है किसी भी चीज का, अगर आपको जोन आगे लेके जाना है 100%, तो आपको उसके दरमियान में टेक प्रॉफिट जोन चाहिए होंगे, ऑब्वियसली यू नीड देम, ठीक है। तो आपका फर्स्ट प्रीवियस हाई, आपका फर्स्ट ऑब्वियसली टारगेट ओवर यहां पे भी 0.382, ठीक है, उसके बाद 0.5, 0.618, एक्सटेंशन की मैं आपको सेटिंग समझाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, 0.618, उसके बाद जो है आगे सो ऑन। लास्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, फिबोनाची इसी प्लेलिस्ट में आपको जो है लास्ट लेक्चर मिल जाएगा, वो देखें पहले, फिर यहाँ पे आके ये देखें तो समझ आएगी। अच्छा, मूविंग ऑन, यहाँ पे अब एक और चीज, ये तो मैंने आपको इजी वर्ड्स में समझा दिया है कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, अब और भी आसान कर देता हूं आपके लिए, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। मैंने किस तरह से ड्रॉ किया, लो टू हाई एंड हाई टू लो, इस ट्रेंड को मैंने एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ, तीन टारगेट्स मैंने, ट्रेडिशनल जो तरीका है टारगेट्स लेने का वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, सो दीज थ्री आर माई टारगेट्स एंड दैट इज माई टेक प्रॉफिट जोन फॉर नाउ, ये मेरा 100% जोन है इस ट्रेंड का एक्सटेंडेड, ठीक है। अच्छा, यही चीज, ये एक्सटेंशन, ये सारी चीजें, ये जो ऊपर के लेवल्स हैं इसका भी मैं समझाता हूँ, यही चीज आपके जो है इंशाल्लाह इन फ्यूचर हार्मोनिक्स में और इलियट वेव्स में काम आएगी, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, काइंडली कंफर्म कर दें यहां तक क्लियर है, क्लियर है जी, आगे बताओ। ओके, चलें आगे जो है, आगे इसको और डिस्कस करते हैं लाइव चार्ट पे जाके। लाइव चार्ट पे मैं जाऊंगा, डेली का चार्ट है, लेट्स रीसेट। अच्छा, सो जैसे कि मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी आपको ट्रेंड को एक्सटेंड करने की ना, ठीक है, मैं ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न पे भी जाऊंगा लेकिन उससे पहले मैं ट्रेंड को एक्सटेंड करने की आपको जो है एग्जांपल दी है। आपको यहां से हमारा लो क्या है, लो जो है हमारा ये जोन है, दिस एरिया, ठीक है, ये हमारा सबसे लोएस्ट एरिया है अभी के लिए। सो हमने क्या करना है, यहां से लेना है, ठीक है, जैसे मैंने चार्ट पे समझाया हाइपोथेटिकली, लो टू हाई एंड हाई टू लो। तो आपने क्या किया, यहां पे ये जो जोन था, फिर से वही कहूंगा, यू कैन कॉल इट अ पोल, ये जो जोन था इसका आपने 100% जोन लिया और इस लो से लेके, इस लो की बात कर रहा हूं, ये एक लो से यहां तक इसका 100% जोन, ठीक है, आपने एक्सटेंड कर दिया 100%। कहां पे आ रहा है, सेम वही चीज आ रही है, एज यू कैन सी ये जो है हमारा 100% एरिया है ये, ठीक है। 100% की समझ अगर नहीं आ रही, और इजी कर देता हूं इसको हटा के, देखें ये मैंने इस ट्रेंड का ये एक लाइन ली, ठीक है, इसको मैंने यहां से इस सपोर्ट से, ये जो जोन है ये, यहां तक मैंने ड्रॉ किया था ना एक्सटेंशन को, ठीक है, मैंने यहां तक जो है इसको लगा दिया और
इसको मैंने यहां पे लगा दिया। तो एज यू कैन सी हमारा 100% जोन क्या था, ये मैंने मार्क किया हुआ है ना। और यहां पे देखें ये लाइन, मैं इसको हटा देता हूं, ये जो ट्रेंड लाइन है एज यू कैन सी कहां तक है, इस जोन तक। मतलब इस एरिया का जो 100% जोन है वो एक्सटेंड हो गया इसके बाद आगे की तरफ, ठीक है। सो दिस इज हाउ फिबोनाची एक्सटेंशन वर्क्स एंड हाउ वी विल ट्रेड इट, उसकी भी बात करते हैं। अब मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूं ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स के साथ इसकी। I'll simply remove this one. Okay. अच्छा, ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न। अब लेट सपोज जो मैं पोल की बात कर रहा था, ये एक जिन्होंने कोर्सेज किए हैं उनको पता है मेरे चैनल पे कि किस तरह से हम जो है इसको यूज करते हैं। ये एक पोल है, ठीक है, बुल फ्लैग का, एंड ये एक फ्लैग है एज यू कैन सी, ठीक है। अब जो बंदा फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करने वाला बंदा है वो यूज टू है इसी चीज से, और वो कुछ और करता ही नहीं है, उसको लाइक वो वाइब ही नहीं आती, वो फील ही नहीं आती किसी और चीज से, वो यही यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग, इंस्टेड ऑफ क्लोनिंग द पोल एंड प्लेसिंग इट हेयर, वो क्या करेगा, सिंपली वो जो है फिबोनाची एक्सटेंशन टूल लेगा, लो टू हाई ड्रॉ करेगा एंड हाई टू लो ड्रॉ करेगा, रिसेंट जो लो बनाया इसने, ठीक है। और इसके जो है इसके टारगेट्स कहाँ पे बन रहे हैं, टेक प्रॉफिट आपका फिक्स जोन कहाँ पे बन रहा है, आपका टेक प्रॉफिट जोन जो है वो यहां बन रहा है, एंड यू शुड लाइक 100% जोन जो है आपका यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो जोन है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे मैंने समझाया आपको ट्रेडिशनल तरीके से, आप फर्स्ट आपका जो है स्टॉप होना चाहिए इस फ्लैग के हिसाब से 0.6188 का जोन। मैं यहाँ पे इसको जरा बड़ा कर देता हूँ ट्रेंड लाइंस को, ताकि समझ आए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये होगा आपका, सेकंड टारगेट आपका 786, थर्ड टारगेट आपका 886। सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस, यू विल क्लोज द ट्रेड इन प्रॉफिट्स एंड यू विल लुक फॉर अनदर गुड सेटअप। दिस इज हाउ यू ट्रेड विद फिबोनाची एक्सटेंशन टूल्स, ठीक है। ट्रेंड को, किसी भी ट्रेंड को एक्सटेंड करना। अच्छा, आप डाउन ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अब जब ट्रेंड नीचे की तरफ गिरता है, किस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसको, किस तरह से हम पढ़ सकते हैं कि यार ये ट्रेंड जो है यहां से यहां तक आ सकता है और मैंने बाइंग यहां यहां करनी है, पार्ट्स में करनी है, जो भी करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, लेट सपोज काइंडली कंफर्म कर दें यहां तक समझ आ गई जो मैंने समझाया, उसके बाद फिर मूव ऑन करते हैं आगे। जी सर, क्लियर है। ओके, परफेक्ट, चलें। अच्छा, आगे जो है, आगे हम किसी भी डाउन ट्रेंड को फाइंड करते हैं। लेट सपोज वी विल, ये हाई टू लो, लो टू हाई, ये दोनों आपके पास एक ही उसमें आ रहा है वैल्यूज में, ये वैल्यूज करनी रखनी पड़ेगी इस तरह, क्योंकि मैं लगाता हूँ तो एक ही वो दिखाते, शो करते, या तो अप शो करते है, डाउन शो करते है। देखिए, मैं आपकी एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूँ। देखिए, लो टू हाई जो है, इंशाल्लाह आप लेक्चर देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। लो टू हाई जो है, एज यू कैन सी, ये लो टू हाई है फिब लेवल्स का, ठीक है, ऐसे ही आता है मेरे पास, ठीक है। लो टू हाई है, तो ये आपने एक चीज याद रखनी है फिब लेवल्स में, टॉपिक नहीं है लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ, कल कोई चीज मैंने मेंशन नहीं की। लो टू हाई आपने ड्रॉ किया, आपको नीचे की तरफ के टारगेट चाहिए, तो एक चीज याद रखनी है, जब जब कंफ्यूजन हो, लो टू हाई आपने ड्रॉ किया ट्रेंड को, ठीक है, और आपने जो है सिंपली करना क्या है, यहाँ पे लो टू हाई ड्रॉ करने के बाद आपका स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड कहाँ से होगी, 0.2236 जोन जो है, ठीक है। काइंडली आप माइक ऑफ कर लें, शोर आ रहा है। अच्छा, 0.23 जोन से स्टार्ट होगा, आपने सबसे पहले ये चीज याद रखनी है कि आपका 0, 1, 2 ये स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस है ऊपर की तरफ से कि नहीं, ठीक है। दिस इज हाउ यू डू इट, मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, लो टू हाई, ठीक है। अच्छा, लो टू हाई ड्रॉ किया आपने, आपने ये चीज नोटिस करनी है कि मेरा जीरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, जो कि होता नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हाई टू लो, ये है अब ट्रेंड लाइक ऊपर के टारगेट्स के लिए, तो हाई टू लो, हाई टू लो आपने ड्रॉ किया। सिंपली क्या करना है यहाँ पे समझने के लिए इसको जो है आपने करना, ये है जीरो नीचे होगा, 1, 2 ये सीक्वेंस देखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगी। चलें, हम आते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन पे, डाउन ट्रेंड के।
और ये क्लियर हो जाएगा, आप प्रीवियस लेक्चर देखो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम वो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, उसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा कि फिब लेवल्स को ट्रेड करते हुए मैं क्या करता हूँ, और जो एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है वो यू कैन कॉल इट अ रेसिपी, हाउ आई यूज़ इट, तो वो भी आपको इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सो यहाँ पे जो है हम किसी भी ऐसे ट्रेंड को ढूंढते हैं जो हमें एक अच्छा एरिया प्रोवाइड करें। लेट्स मूव टू इथीरियम। इथीरियम का ट्रेंड आई रियली लाइक, इसका बहुत अच्छे से जो है वर्क करता है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है इथीरियम का, स्पेशली 4 आवर के शॉर्ट पे। ओके 4 आवर का चार्ट है इथीरियम यूएसडीटी का, और इसको हम पकड़ते हैं, किसी भी डाउन ट्रेंड को ढूंढते हैं हम जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ हो और उसको एक्सटेंड करेंगे हम। ठीक है, अच्छा सो एक स्पेसिफिक जोन आपने पकड़ा, लेट सपोज ये जो है इसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है परफेक्ट। अच्छा ये एक हाई है, ये एक लो है, लो को अभी हम मेजर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इसको जरा एडिट कर लेता हूँ थोड़ा सा। आसानी होगी देखने में भी। ओके सो ये हाई, हाई टू दिस लो, जहां पे ट्रेंड लाइक आप ऐसा अजम्पशन कर लें, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अज्यूम करें कि ये जो बाकी का ट्रेंड है ये नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मैं इसको जो है अभी के लिए, ठीक है, इमेजिन कि ये ट्रेंड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब यहां से आपने लो टू हाई ड्रॉ किया, सॉरी हाई टू लो ड्रॉ किया और लो टू हाई ले गए प्रीवियस इस हाई तक। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ ये दूसरे को। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आपको ये नंबर्स याद नजर आ रहे होंगे, वेट अच्छा हाँ ये नंबर्स नजर आ रहे होंगे आपको। अब आपने करना क्या है, वही सेम चीज है, ठीक है, लाइव शॉर्ट पे समझा रहा हूँ, जो ट्रेंड ऊपर का है ये सारा ट्रेंड, इस ट्रेंड का 100% जोन आपने एक्सटेंड कर दिया नीचे की तरफ। सो यूजुअली शॉर्टर्स ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लेकिन फॉर बाइंग टू प्लेस बाइंग ऑर्डर्स आसानी के लिए जो है मैं यहाँ पे ये चीज करूंगा। ठीक है, अच्छा एक्सटेंड कर लिया आपने, आपने सिंपली करना क्या होता है, आपने फर्स्ट बाइंग जो है, फर्स्ट बाइंग आपकी होती है हमेशा, मैं पर्सनली जो करता हूँ, फर्स्ट बाइंग मेरी होती है 0.618 जोन पे। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, फिब लेवल वाली बात है, वही कॉन्सेप्ट है, देखें 0 2 1 यहाँ पे नहीं लिखा होगा, 2 3 5 6 7 8 1 100, मतलब 100 का जोन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सेकेंड, मेरा ऑर्डर मैप ऑब्वियसली आई प्लेस सम ऑर्डर्स बिटवीन दीज टू जोन्स, ये जो जोन है ना ये इससे थोड़ा सा ऊपर ये, ठीक है, इसको मैं जरूर यहाँ पे मैं ऑर्डर्स लगाऊंगा 786 से लेके 886 तक का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्पेशली एक्सटेंशंस में तो मैं समझता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इस तरह से जो है हम इसको यूज करते हैं। और अगर हम इसको हटा दें, अब एक्सटेंशन को हमने लेट सपोज यहाँ पे बाइंग की होती ना, बाइंग करने के बाद लेट सपोज आपने बाइंग की, ठीक है लास्ट एग्जांपल है, लेट सपोज आपने जो है यहाँ पे बाइंग की, पहली बाइंग यहाँ पे, प्राइस और नीचे गई, यहाँ पे पार्ट्स में बाइंग की, पार्ट्स में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने करना क्या होता है, दोबारा से फिब एक्सटेंशन यूज करना है, लो टू हाई एंड हाई टू लो। ठीक है, अब दोबारा से वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका समझ आ जाए, आपको क्लियर हो जाए कितनी खूबसूरती से इसने जो है अपने तमाम टारगेट्स हिट किए हैं, ये 100% का जोन, देयर यू गो, कैन यू इमेजिन, लाइक इट इज नॉट इजी टू प्रिडिक्ट बाय जस्ट प्राइस एक्शन, क्योंकि
लेकिन अगर आप देखो तो कितना खूबसूरती से इतने ये जो 100% एरिया आपने एक्सटेंड किया है, इसने वही तमाम टारगेट हिट करके प्राइसेस को रिवर्सल दिया है, दोबारा से वही रेजिस्टेंस फेस किए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, इट्स अ वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट वे जो मैं टीच कर रहा हूँ इसको, ठीक है? बहुत इजी, बहुत इजी। जब आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आप समझा भी सही से पाते हो, ठीक है? तो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन चार्ट्स, यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन इट। मुझे फिब 11s यूज करते हुए साल से ज्यादा हो गया है, बहुत मेहनत लगती है इसको अच्छा करने में, इसको जो है समझने में, ठीक है? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकता हूँ। तो सर जैसे कि इसमें एक टारगेट होता है कि जो 0.3 के ऊपर अगर हम बाइंग करते हैं, ठीक है, तो अगर चार्ट की प्राइस उसको ब्रेक कर देती है और लो हो जाता है, तो वो वॉल्यूम की वजह से होगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये अब लो हो गया, दोबारा अप जाएगा या दोबारा और लो होगा? अच्छा, उसमें आप फिर प्राइस एक्शन की तरफ आते हो, ठीक है? अब आप बात कर रहे हो, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई ट्रेंड ढूंढता हूँ, जो कि होता नहीं है यूजुअली, बहुत कम होता है ऐसा। फिब लेवल्स यूज कर रहे हो अगर आप, तो बहुत कम होता है ऐसा। अब लेट्स सपोज ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, आपने हाई टू लो ड्रॉ किया, आप कह रहे हो कि ये जो जोन है यहाँ पे, लेट्स सपोज मैं बाइंग कर लेता हूँ, राइट? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट? यस ठीक है। अच्छा, आपने जो है अगर बाइंग की है, मैं यहाँ पे एक और चीज मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ इसको, आपने अगर बाइंग की है आपने इस मतलब से की होगी, लो टू हाई, ठीक है? लो टू हाई आपने लगाया और आपने बाइंग की लेट सपोज 786 के जोन पे, 0.618 के जोन पे, ठीक है? दो जगह आपने बाइंग की, ठीक है? अच्छा, सिंपली अब यहाँ पे इसका फायदा और नुकसान मैं दोनों बताता हूँ। फायदा तो ये हो गया, आपको कोई 0.618 पे आपने बाइंग की और आपकी जो है नेक्स्ट बाइंग कहाँ पे, 786 886, ठीक है? अब मैं दोबारा से वही करता हूँ जो जोन्स मैंने मार्क कर दिए हैं, दोबारा से मैं फिब लेवल टू लेता हूँ, हाई टू लो आई ड्रॉ देम। क्या जोन आ रहा है? 0.618 वाला जोन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, 0.382। टेक प्रॉफिट, फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका यहाँ पे होगा क्योंकि आपने डीसीए किया होगा नीचे। अच्छा, अगर ये टूट जाता है, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर ये टूट जाता है यहाँ से इस तरह नीचे की तरफ, तो किस तरह से जो है इसको डील करना है और क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी वजह होती है वॉल्यूम ना आने की, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू कांट फेस द रेजिस्टेंस, यू विल गेट रिजेक्टेड ऑलवेज, फेस ही नहीं कर पाओगे आप उसको, ठीक है? सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, फर्स्ट चीज ये, ठीक है? और दूसरा ये कि मार्केट में कोई खराब सिचुएशन, जैसे अभी मार्केट जो है थोड़ी सी चौपी चल रही है एज यू कैन सी, सो ये जो है ये सिनेरियोज हैं, इसको आपने इस तरह से समझना है। अगर आपने बाइंग की 0.382 के जोन पे और प्राइसेस नीचे गई, ठीक है, पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हाई टू लो ड्रॉ करके 0.382 पे जोन, इस जोन पे बाइंग नहीं करते हम। बाइंग किस तरीके से करते हैं? हम बाइंग जो है लो टू हाई ड्रॉ करके नीचे से बाइंग करते हैं, ठीक है? ये तरीका होता है बाइंग करने का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर हो गई ये बात, ये कॉन्सेप्ट? जी भाई, क्लियर हो गई है। अच्छा, एक चीज और, ये क्लियर होगी लेकिन हमें क्या कैसे पता चलेगा अगर हमें कितना वॉल्यूम चाहिए? अगर इतना वॉल्यूम होगा तो ये इसको ब्रेक करेगा और फिर ये अप जाएगी मार्केट। ओके, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम की जहाँ तक बात है, हारिस यहाँ पे चैनल पे, मैं अभी टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, चैनल पे इंडिकेटर सेक्शन में वॉल्यूम पे डिटेल्ड मैंने जो है लेक्चर बनाया हुआ है, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ ये कॉन्सेप्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन डिटेल्ड वो एक लेक्चर है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम किसके लिए चाहिए होता है। अच्छा, खैर, मूविंग ऑन, मैं जाता हूँ, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ यहीं पे। चल, अब लेट सपोज हम यहाँ पे वॉल्यूम को अप्लाई कर लेते हैं, वॉल्यूम परफेक्ट, ठीक है? अब लेट सपोज यहाँ पे जो है एक कैंडल है, ये है,
पॉजिटिव वॉल्यूम की, जिसे हम बुलिश कहते हैं, और एक कैंडल है नेगेटिव वॉल्यूम की, जिसे हम बेरिश कहते हैं। ठीक है, अब इस कैंडल में जो है, लेट सपोज मैं इसको यहां पे कर देता हूं। ठीक है, आपको, आप ये समझना चाह रहे हो कि किस तरह से हमने जो है इसको डील करना है, किस तरह, कितना हमें वॉल्यूम चाहिए होता है फॉर दिस दिस दिस। अच्छा, तो आपने समझना इसको इस तरह से है, इस तरीके से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज ये, मैं इसको जरा प्लेस कर देता हूँ सही। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझना है कि लेट सपोज आपने बाइंग की यहाँ पे किसी भी जोन पे, ठीक है, इसमें वॉल्यूम है, इस कैंडल में वॉल्यूम है, डिक्रीज होने वाला वॉल्यूम 50 मिलियन, लेट सपोज बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, 50 मिलियन। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर की तरफ जाने के लिए हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, एटलीस्ट एटलीस्ट 50 मिलियन नेगेटिव वॉल्यूम है। ठीक है, सिर्फ रिक्लेम करने की और थोड़ा सा इसको क्रॉस करने की बात हो रही है यहाँ पे। 50 मिलियन तो इसमें इतना भी निकल जाएगा कि इसको रिक्लेम करना है, इसको लाइक जो प्रीवियस वॉल्यूम था उसको कवर अप करना है, जो निकला है नेगेटिव वॉल्यूम है ना। नेगेटिव वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि मार्केट से पैसा निकलना, पॉजिटिव वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसा आना। ठीक है, अच्छा, तो हमें 50 मिलियन जो है इसके लिए चाहिए होगा कि इस कैंडल को हम दोबारा से कवर अप करके ऊपर तक ले जाएं। ठीक है, और 50 मिलियन हमें इसको क्रॉस करने के लिए, इसके प्रीवियस हाईस को, विक्स को रिक्लेम करने के लिए, फिल करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो फिबोनाची एक्सटेंशन का ये सेशन था, ये लेक्चर था इन इजी वे, मैंने कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया इसको, बहुत आसान अल्फाज में कोशिश की है, एंड आई होप इट इट्स क्लियर नाउ। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, प्रैक्टिस करते वक्त व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, चार्ट में शेयर करें प्रैक्टिस करते वक्त, और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, इट विल हेल्प अलॉट, स्पेशली न्यूबीज, उनको भी इंकरेज करें, और फेसबुक ग्रुप में पोस्टिंग स्टार्ट करें जितना, एज मच एज यू कैन, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर ब्रदर जो हैं वो पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है आप लोगों की जो होप है वो टूट चुकी है मार्केट के सिनेरियोस की वजह से, बट दैट इज़ नॉट द वे। ठीक है, ये तरीका नहीं होता मार्केट में सर्वाइव करने का, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट, यू हैव टू बी मोटिवेटेड। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, और इसी तरह से आपने जो चलना है। ठीक है, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ, बिटकॉइन की अपडेट छोटी सी मैं रिकॉर्ड करूंगा, इफ यू गाइज वॉन्ट टू स्टे यू कैन स्टे। चल।